नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम राजे ने भामाशाहों से शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में मांगा सहयोग। 109 भामाशाहों का किया सम्मान। शिक्षकों से नामांकन बढ़ाने का किया आह्वान। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। पुलिस वाहन ने जज की कार को मारी टक्कर। हादसे में जज और मासूम की हुई मौत। 5 घायल। भरतपुर में कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने की गिरफ्तारी देने की पेशकश। SP कार्यालय में हुए हाजिर। आरक्षण आंदोलन में की गई गिरफ्तारियों का किया विरोध। प्रदेश भर में GST को लेकर कपड़ा व्यापारियों का विरोध जारी। व्यापारियों ने की GST हटाने की मांग। मकराना में भी मार्बल व्यवसायी उतरे GST के विरोध में। प्रदेश भर में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में तेज तो कहीं बूंदाबांदी। भीषण गर्मी से आमजन को मिली राहत तो दूसरी ओर किसानों के चेहरों पर छाई रौनक। स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की ओर से शहर के बिरला ऑडिटोरियम में 23वां भामाशाह सम्मान 2017 आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में कुल 109 भामाशाहों और 31 प्रेरकों का सम्मान किया गया। सम्मान CM वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। 23वें सम्मान समारोह में कुल 62,32,42,000 की राशि भामाशाहों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दान की गई। CM ने अपने उद्बोधन में कहा कि भामाशाहों द्वारा दी गई दान राशि एक प्रेरणा है। दानदाताओं का ये प्रयास भविष्य के दीपक को उज्जवल करेगा। राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ाने के साथ ही उन्हें उच्च शिक्षित करने के लिए नई तकनीक और नवाचारों का प्रयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे लाने में सभी का सहयोग उपेक्षित है। सम्मान समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार, अतिरिक्त सचिव राजहंस उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष BR चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। और ये भामाशाह हुए हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ऐसे सैकड़ों और लोग भी हैं जिन्होंने कहीं 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख भी दिया है। उन सबकी यदि राशि को जोड़ेंगे तो ये 100 करोड़ से भी अधिक क्रॉस होगी। मुझे लगता है इन भामाशाहों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह से कंट्रीब्यूशन करते रहें, राजस्थान की शिक्षा को हम आगे बढ़ा करके देश के नक्शे पर उभारेंगे। और जिस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5-6 अगस्त को हम ग्लोबल एजुकेशन फेस्टिवल करने जा रहे हैं, तो राजस्थान के विद्यार्थियों का स्तर हम केवल राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, एक ग्लोबली इनका जो स्तर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ के विद्यार्थी अपना परचम विश्व में फहराएंगे। इसीलिए अब आप लोगों ने इसको बहाना शुरू कर दिया है। राजस्थान तो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने के पीछे नहीं रहेगा। ये सपना आपने हमने सबने मिलकर देखा है। इस सपने को पूरा करने का काम भामाशाहों को ने काम चालू किया है। और मैं समझती हूँ कि अब यही चीज आपकी हायर एजुकेशन के अंदर उसको आगे 2 वर्षों के अंदर ले जाने का काम करेंगे। जब हायर एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन के साथ हम लोग जोड़ देंगे तो फिर कोई कमी होगी नहीं। इनका सब ग्रुप भी अब इनके साथ काम करने लगा है। मैं मंत्री जी को, उनके रिलेशन चीफ सेक्रेटरी को, और मैं ये कह रही हूँ भामाशाहों को भी कि आप कॉलेज की तरफ भी जरूर देखना। स्कूल स्कूल नहीं है, आप उनको स्कूल से लेकर वहां तक उसको ले जाने की कोशिश करनी है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ हाईवे पर मानासी बस स्टैंड के पास पुलिस की गाड़ी और जज की गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे एक मासूम बच्ची सहित जज की मौत हो गई, जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सीकर के कल्याण अस्पताल में पहुंचाया।
हाईवे पुलिस पेट्रोलियम की गाड़ी हार्डकोर अपराधी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर की तरफ जा रही थी और तारानगर कोर्ट के जज राजदीप कौर अपने परिवार के साथ जयपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान मानासी गांव के बस स्टैंड के पास भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि जज राजदीप कौर व देवेंद्र सिंह के अलावा 4 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान जज राजदीप कौर की मौत हो गई। बाड़मेर के समदड़ी में निजी बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सवार 5 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में एक सवार गंभीर घायल बताया जा रहा है। घायलों को राहगीरों ने सरकारी सामुदायिक केंद्र पहुंचाया, जहां जानकारी मिलने पर समदड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची। टैक्सी चालक सहित एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने के चलते दोनों घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। नागौर के मेड़ता शहर में बिजली विभाग के AEN का एक ऑडियो वायरल हुआ है। मेड़ता निवासी एक उपभोक्ता ने मोबाइल पर बिजली गुल की जानकारी दी, तो ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारी ने उपभोक्ता को फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद बिजली विभाग के AEN PN वर्मा ने गाली गलौज की। आखिर किस तरह से एक अधिकारी इस तरह का बर्ताव कर सकता है? अपनी जिम्मेदारी से हटकर लोगों के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज पर उतर सकता है? भरतपुर में बुधवार शाम को कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे। उनके साथ में भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह फौजदार भी मौजूद रहे, जहां SP अनिल कुमार टांक ने उन्होंने इस मामले में जानकारी दी। इन मुकदमों के संबंध में हालांकि सरकार से वार्ता चल रही है, पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज किए मामले पेंडिंग चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण आंदोलन के बाद कोई भी नाजायज कार्रवाई होती है तो वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। इस संबंध में SP अनिल कुमार टांक का कहना है कि कार्रवाई विधि सम्मत होगी और पहले जांच की जाएगी और उसके बाद जो उचित होगा वो किया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार से जो बात हो चल रही है वो ये है कि मुकदमे वापस हों। पिछले आंदोलन के मुकदमे भी आपने देखा है वो पेंडिंग पड़े हैं और अब के मुकदमे भी फिलहाल पेंडिंग हैं, लेकिन अगर कोई कार्रवाई नाजायज होती है तो निश्चित रूप से उसको हम उसका विरोध करेंगे। माउंट आबू की नगर पालिका में आपसी विवाद को लेकर पालिका के सफाई कर्मियों ने राजस्व शाखा के प्रभारी महेंद्र बंजारा से हाथापाई की। इससे बंजारा के सर्व दाई आंख पर गहरी चोट लगी है। सफाई कर्मियों का कहना है कि महिला कार्मिक के साथ राजस्व शाखा के प्रभारी ने बदतमीजी की और जातिवाद के अपशब्दों का प्रयोग किया। पीड़ित पक्ष ने उपखंड अधिकारी को अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने 4 जनों को हिरासत में लिया है। बांसवाड़ा शहर में प्रमुख मार्गों से होते हुए अहिंसा संदेश वाहन रैली निकाली गई। शहर के खांडू कॉलोनी इलाके में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाहन रैली में जैन समाज के पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। मुनिराज का बांसवाड़ा के खांडू कॉलोनी में चातुर्मास रखा गया है, जिसके चलते हर रोज धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा का स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मधु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा विभिन्न योजनाएं चला रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में महिला मोर्चा के लिए जिला सम्मेलन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ा जा रहा है। Thank you.
धौलपुर के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जिला स्तरीय महिला बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और बिना कार्यकर्ता की मेहनत के पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। उन्होंने कहा कि बूथ कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथों पर पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद पवार, ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, राज्य मंत्री अब्दुल सगीर खान सहित सैकड़ों महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करौली जिला मुख्यालय पर तेज हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश लगभग 15 मिनट तक बरसी, जिससे शहर के कई स्थानों पर पानी भर गया और कुछ समय के लिए आवागमन भी बाधित हुआ। तेज बारिश के चलते गर्मी से परेशान लोगों को राहत जरूर मिली है। बारिश से खरीफ की फसल की पैदावार अच्छी होने की संभावना जताई जा रही है। कपड़े पर जीएसटी लागू करने के विरोध में डूंगरपुर जिले में कपड़ा व्यापार संघ ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों ने शहर में वाहन रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। व्यापार संघ ने अध्यक्ष कन्हैयालाल जैन के नेतृत्व में सभी कपड़ा व्यापारी गेपसागर की पाल पर एकत्रित हुए। यहां से कपड़ा व्यापारियों ने वाहन रैली निकाली। कलेक्ट्रेट के बाहर व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कपड़े पर जीएसटी वापस लेने की मांग की। कपड़े पर जीएसटी लागू करने के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिले में वस्त्र व्यवसायियों का 3 दिवसीय बंद के तहत यह धरना दिया गया है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी गई। श्रीमाधोपुर शहर के कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी का विरोध करते हुए मशाल जुलूस निकाला। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ उपखंड कार्यालय पहुंचा और व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों के अनुसार कपड़े पर जीएसटी लागू करने के विरोध में कपड़ा व्यापार संघ 3 दिन के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। पोखरण में आनंदपाल के एनकाउंटर का विरोध, सीबीआई जांच की मांग वहां पर की जा रही है और कोर्ट परिसर के आगे पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी भी की गई है। राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष जानीदान सिंह भाटी के नेतृत्व में बैठक की गई। इसमें आनंदपाल सिंह का फर्जी एनकाउंटर बताकर विरोध दर्ज किया और तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बालोतरा में वीर दुर्गादास राजपूत छात्रावास में राजपूत समाज व रावणा राजपूत समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया गया है, इसकी सीबीआई जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे, वहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग का ज्ञापन सौंपा। नीमका थाना में राजपूत समाज के लोगों ने सरकार का पुतला फूंका। राजपूत समाज के सैकड़ों युवकों ने राजपूत छात्रावास से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस निकालकर विरोध कर नारेबाजी की। शहर के मुख्य चौराहे खेतड़ी मोड़ पर पुतला भी फूंका गया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में नावा में राजपूत समाज ने उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि समाज एनकाउंटर की हकीकत जानना चाहता है, जिसे लेकर सीबीआई जांच कराई जाए।
भीनमाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला टीबी फोरम की बैठक हुई। बैठक में टीबी फोरम पर जानकारी देते हुए राहुल चौधरी ने बताया कि टीबी फोरम के सदस्य टीबी मरीजों के साथ सहानुभूति पूर्वक पेश आए और मरीजों के साथ किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना हो। बैठक में सदस्य ओम प्रकाश खोरवाल एवं पार्षद पुखराज बिश्नोई ने बताया कि टीबी रोग पहले लाइलाज बीमारी थी, पर अब इसका इलाज संभव है। भरतपुर में बीएसएनएल के दूरसंचार जिला प्रबंधक राजेंद्र कुमार सोनी ने बीएसएनएल की नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मोबाइल धारक को 6 फरवरी तक अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। उसके बाद बिना आधार लिंक वाले मोबाइल नंबरों को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। भरतपुर में संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। संभागीय आयुक्त ने चिकित्सालय परिसर में स्वच्छता के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार के लिए समन्वित प्रयास करें तथा चिकित्सालय के प्रवेश द्वारों को आकर्षक रूप दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा धौलपुर जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर 30 जून से 2 जुलाई तक दो पारियों में होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और परीक्षा समन्वयक नरेंद्र सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चौहान ने बताया कि नकल रोकने के लिए आयोग ने निर्देश दिए हैं। धौलपुर और सैपो उपखंड अधिकारियों के नेतृत्व में 2 सतर्कता दल गठित किए गए हैं। धौलपुर के जपाली पुलिस चौकी इलाके में 4 हथियारबंद बदमाशों द्वारा 2 बाइक सवार लोगों से पिस्टल की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर निवासी पीड़ित देवेंद्र सिंह अपने दोस्त सुरेंद्र के साथ बाइक पर गांव लौट रहा था। इस दौरान धौलपुर महुआ खेड़ा मार्ग पर 4 हथियारबंद बदमाशों ने बाइक के सामने आकर रुकवा लिया और युवकों से 18,000 की नकदी सहित 3 मोबाइल और बैग छीनकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखी तो ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव कर आक्रोश जताया और मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बदमाशों को जल्द ही पकड़ने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। बारा के शाहबाद इलाके के राजपुर मुंडियर कस्बे सहित आसपास के गांव में नियम कानूनों को ताक में रखकर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। बता दें कि आबकारी विभाग की अनदेखी के कारण शराब ठेकेदार खुलेआम अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं, जो कानून नियमों की पुरजोर धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि ये सारा खेल आबकारी विभाग की मिलीभगत से हो रहा है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया। साथ ही कहा कि यदि अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। नागौर के पर्वतसर शहर में मानसून की पहली ही बारिश ने नगरपालिका के कार्यों के पोल खोल दी। करीब आधा घंटे तक तेज बारिश का दौर चला, जिससे बस स्टैंड पर पानी भरने से उलबालब भर गया। ऐसे में पानी भराव के चलते आवागमन पूरी तरह से ठप रहा, जबकि शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या को लेकर आमजन परेशान रहे।
गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मणगढ़ के बस स्टैंड पर सरकार का पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की भी मांग की है। भरतपुर के गेतफाड़ा गांव में घर में चोरी करते पकड़े गए चोर की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। चोरों के साथियों ने चोर को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी, इससे दो ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार चोर भैंस चोरी करने आए थे, लेकिन ग्रामीणों के जाग जाने पर चोरों को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने चोर की जमकर धुनाई कर उसे घायल कर दिया, लेकिन चोर की पिटाई देखकर अन्य साथियों ने ग्रामीणों पर फायर किया, इससे दो ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीणों व घायल चोर को सीकरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर किया गया। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बुधवार को करनी सेना ने आनंदपाल के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मुख्यमंत्री राजे का पुतला फूंका। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने की मांग की। राष्ट्रीय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने सरकार पर गैंगस्टर आनंदपाल का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर सरकार की मिलीभगत से कराया गया है, इसके खिलाफ हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गिरफ्तार किए गए आनंदपाल के रिश्तेदारों को भी छोड़ने की मांग की है, जिसे लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला जलाया गया। ऐसे में कटार ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। झालावाड़ के बकानी कस्बे में बुधवार को कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी दरों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया। तो वहीं इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के कई लोगों को बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पाने पर बैरंग लौटना पड़ा। व्यापारियों ने बताया कि कपड़े पर जीएसटी को लेकर 2 दिन तक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। नागौर के मकराना में जय शिव चौक स्थित गौवंश चिकित्सालय का प्रथम वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति की ओर से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्कर से आए समताराम महाराज ने कहा कि गाय की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है। साथ ही कहा कि माता पिता और नारी का सम्मान भी अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गाय का दूध पीने से राष्ट्रभक्ति समाहित होती है। भारतवर्ष में हिंदू के अलावा मुस्लिम समाज के लोग भी गाय का पालन करते हैं, जो एक सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस दौरान पंडित विमल पारीख, हिंदू महासभा के जितेंद्र सेन, महेंद्र रांदर, गौरक्षा समिति के सुरेश कुमावत सहित कई लोग उपस्थित रहे। टोंक के देवली चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। ग्रामीणों ने बताया कि चिकित्सालय में 17 चिकित्सकों के पद हैं, लेकिन चिकित्सालय में 8 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने से महिलाओं को खासा परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि चिकित्सालय में खाली पद होने से निजी अस्पताल मरीजों से मनचाहे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जयेंद्र मीणा ने बताया कि यदि चिकित्सालय में रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। प्रमोशन के लिए दौड़ लगाते कांस्टेबल रामजीलाल भैरवलाल की मौत के बाद पुलिस ने इसे सामान्य मौत मानकर मृतक की पत्नी और परिजनों को अन्य लाभ दिए थे, लेकिन मृतक की पत्नी रामेश्वरी देवी और उनके बच्चों ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया। 3 साल कोर्ट में चले केस के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार शर्मा ने इस पर फैसला सुनाते हुए इसे ड्यूटी के दौरान ही मौत माना है। साथ ही सरकार को मृतक की पत्नी को 20 लाख रुपए और स्पेशल पेंशन देने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि मृतक हेड कांस्टेबल बनने के लिए दौड़ लगा रहा था, दौड़ लगाते समय ही उसकी मृत्यु
हार्ट अटैक के कारण हुई थी, इसलिए ये ड्यूटी के दौरान ही मौत मानी जाएगी। स्वर्गीय श्री रामजीलाल जी बेरवाल, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 2 फरवरी 2014 को राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने की प्रमोशन की दौड़ में दौड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुलिस विभाग ने उनकी मृत्यु को एक साधारण मृत्यु मानते हुए हमें एक्सग्रेशिया का 80,000 का अमाउंट सेंक्शन कर दिया, जबकि यह दुर्घटना मृत्यु थी जिसमें कि हमें 20 लाख मिलने थे, परंतु पुलिस विभाग ने इसे साधारण मृत्यु माना, ना कि दुर्घटना मृत्यु माना। उसके बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें 3 साल की लड़ाई के बाद आज माननीय उच्च न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, और फैसले में यह ऑर्डर दिए गए हैं कि जो मेरी माता जी हैं श्रीमती रामेश्वरी देवी, उनको 20 लाख रुपये का अमाउंट सेंक्शन किया जाए, मैं 9% ब्याज की दर से, एवं मेरी माताजी को स्पेशल पेंशन देने के लिए भी राज्य सरकार को आदेश दिए गए हैं। राजधानी से 60 किलोमीटर दूर फुलेरा में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। 108 एम्बुलेंस द्वारा रेलवे स्टेशन से गंभीर बीमारी टीबी से संक्रमित एक मरीज को अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने मरीज के गंभीर संक्रमण को देखते हुए मरीज को जयपुर रेफर किया, लेकिन मरीज करीब 5 घंटे तक जयपुर रेफर के इंतजार में गेट के बाहर लावारिस हालत में पड़ा रहा। मरीज के पड़े रहने का कारण यह रहा कि टीबी संक्रमण से वो ग्रस्त था, और यही कसूर रहा कि मरीज 5 घंटे तक अस्पताल में पड़ा रहा। उधर एम्बुलेंस कर्मी ने रोगी के साथ परिजन नहीं होने के कारण जयपुर ले जाने से इनकार कर दिया। मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर अस्पताल प्रशासन जागा और जयपुर रेफर किया। सवाईमाधोपुर के मानटाउन थाने में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। बरवाड़ा बस स्टैंड पर कचोरी समोसे का ठेला लगाने वाले शंभू साहू को मानटाउन थाने के एसएचओ उदय भान ने पकड़ा और थाने में ले आए। उस पर आरोप लगाया कि उसके कारण रास्ते पर अवरोध पैदा होता है, और शंभू साहू को शांति भंग में थाने में बंद कर दिया। मजिस्ट्रेट के समक्ष जल्द पेश किए जाने को लेकर शंभू से 20,000 रुपए की मांग की। इस पर 10,000 में सौदा तय हुआ। शंभू ने अपने परिचित को फोन पर कहा कि पुलिस को वो 10,000 रुपए दे दे। इस पर शंभू के दोस्त ने मानटाउन थाने में कार्यरत कांस्टेबल सुरेंद्र ने 10,000 रुपए खुलेआम लिए, लेकिन किसी ने रुपए लेने देने का वीडियो बना लिया। इनकी भनक जब पुलिस अधीक्षक को लगी तो उन्होंने रिश्वत लेने वाले कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। इसकी जाँच डिप्टी सुभाष मिश्रा को सौंपी गई है। भरतपुर में जिला उद्योग केंद्र ने भामाशाह रोजगार सृजन के तहत बेरोजगार आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार लिए। सरकार की योजना भामाशाह रोजगार सृजन के तहत बेरोजगार महिला पुरुषों आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार लिए गए। साक्षात्कार के लिए आवेदनकर्ता सुबह से ही उद्योग केंद्र पर पहुंचे, और इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक गणेश शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को अनुदानित लोन मुहैया कराया जाता है, जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। नागौर के मकराना में मार्बल व्यापारियों ने संगमरमर व्यापार मंडल कार्यालय में बैठक आयोजित की, जिसमें जीएसटी दरों का विरोध करने के लिए 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जीएसटी दरों के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। मार्बल व्यापारियों का कहना है कि मार्बल पर 28% टैक्स लगाया गया है, जिसका देश में विरोध किया जा रहा है। इस दौरान बैठक में मकराना मार्बल मंडी के समस्त औद्योगिक खानों के
क्लस्टर सहित अन्य मार्बल व्यापारियों ने भाग लिया। पूरे मकराने के माइंस एसोसिएशन और टोटल मार्बल एसोसिएशन और भड़वा एसोसिएशन सब हम लोग मिलके कल एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और 1 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं और हड़ताल हमारी शांतिपूर्वक रखनी हम लोगों को, और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई 28% में ये हमारा जितना भी बिजनेस है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग वैसे भी ग्रेनाइट मार्बल वाले वैसे ही बहुत परेशान चल रहे हैं। कपड़े पर जीएसटी लगाने को लेकर आंदोलन के दूसरे दिन नागौर के मेड़ता में कपड़ा व्यापार संघ ने अपनी दुकानें बंद रखी। कपड़ा व्यवसायियों ने इकट्ठे होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर सरकार से जीएसटी वापस लेने की मांग की। अजमेर की एडीजी कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को जाकर हत्याकांड मामले में सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि मामला दरगाह थाना क्षेत्र के कोट इलाके का है। 28 अप्रैल 2004 को आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते 14 साल के बच्चे जाकर की बर्बरतापूर्ण धारदार हथियारों से वार किए थे, जिसमें आधा दर्जन लोगों ने बच्चे को मारने का प्रयास किया था। इस दौरान आरोपियों ने बच्चे के भागने पर उसके हाथ और पैर की उंगलियां काट डाली थी और खाई में फेंक दिया था। इसके बाद परिजनों ने जाकिर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान जाकिर की मृत्यु हो गई। चार का मामला है, ये जाकिर था सनोब महफूज का निवासी अंदरकोट, इसके ऊपर ये रहमान उल्ला, बरकतुल्ला और रिजवानुल्ला और एहसानुल्ला और कुदरतुल्ला और सबकतुल्ला और गुलाम मोइनुद्दीन, इन्होंने जानलेवा हमला किया था इसके ऊपर और उससे वो गंभीर अवस्था में जो जाकिर 14 वर्षीय बालक था उसको अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ पर अस्पताल में इसका पर्चा बयान दिया था और इलाज के दौरान ही दिनांक 29/4/2004 को जाकिर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस प्रकरण में धारा 147, 148, 150, 302 IPC में उपरोक्त मुजरिम के विरुद्ध चालान पेश किया था। आज ADJ 4 माननीय सुरेंद्र कुमार जी ने इस प्रकरण में फैसला सुनाया है। इसके तहत ये दो मुलजिम बरकतुल्ला और रिजवानुल्ला उन दोनों को बरी किया है, बाकी रहमानुल्ला और एहसानुल्ला और सबकतुल्ला और गुलाम मोइनुद्दीन इनको आजीवन कारावास की सजा व 5,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया है और धारा 148, 341 में भी दोषी माना। अलवर जिले की रैणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डेरा में पानी की समस्या सामने आई है। डेरा के बैरवा बस्ती ढाणी में ग्रामीणों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े वादे करते हैं, परंतु गरीब और पिछड़ी हुई बस्तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर हुआ आंदोलन तो थम गया, लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों के खिलाफ किए जा रहे मुकदमों के बाद जाट नेताओं में नाराजगी व्याप्त हो गई है, जिसके चलते बुधवार को जाट नेता एवं कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह मथुरा गेट थाने में अपने ही खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने पहुंच गए। विधायक सिंह ने कहा कि समझौते के दौरान पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज नहीं करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी भाजपा नेताओं के दबाव के चलते आंदोलनकारियों के खिलाफ चक्काजाम, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आंदोलन और चक्काजाम उन्होंने ही कराया है तो पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, जिसके बाद विधायक सिंह खुद ही अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंच गए। थाना प्रभारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि विधायक की जिद के चलते उनके खुद के द्वारा मुकदमा कराने की शिकायत लिखकर अनुसंधान और आदेश के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा, जिसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। विधायक डी कुबेर
विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ ट्रेन रोकना, हाईवे रोकना, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है, राजकार्य में बाधा की। सारे आंदोलन की जिम्मेदारी मेरी है। गरीब निर्दोष लोगों को FIRों में फंसाया जा रहा है और एक बहुत अच्छी चीज़ निकाली है पुलिस ने कि अन्य लोग 50, अन्य 10 नामजद और अन्य और इससे बुलाओ, उनसे या तो पैसा लो और उनका नाम निकालो। ये तो एक तमाशा बन गया। अरे मैं बैठा हूँ ना, मुझे अरेस्ट करो। नेम सिंह जी बैठे हैं, नेम सिंह जी को अरेस्ट करो। करते क्यों नहीं इस बात को? कोटा के अयाना में पूर्व विधायक पीपलदा प्रेमचंद नागर मृतक किसान के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। नागर ने कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के कर्ज से आत्महत्या कर रहे किसान वाले बयान पर कड़े शब्दों में निंदा की है। भरतपुर में RPSC के वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा कराने के लिए बैठक हुई। सेकंड ग्रेड ऐच्छिक विषयों की जिला मुख्यालय पर 30 जून से 2 जुलाई तक परीक्षा होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन एवं परीक्षा समन्वयक OP जैन ने बताया कि परीक्षा के लिए शहर में 37 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा 2 पारियों में 9 से 11:30 एवं 3 से 5:30 बजे होगी। यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम पेशी के दौरान एक बार फिर पुलिस और मीडिया पर अपना गुस्सा उतारने से नहीं चुके। दरअसल कोर्ट से पेशी के बाद जब आसाराम को वापस ले जा रहे थे, इस दौरान आसाराम मीडिया के सामने बोलना शुरू हो गए। पुलिस ने समर्थकों को देखते हुए जल्द से जल्द आसाराम को गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया। ऐसे में पुलिस ने आसाराम को जल्दी चलने के लिए बोल दिया। बस फिर क्या था, आसाराम हो गए नाराज। आसाराम मामले में सुनवाई एक बार फिर से नहीं हो पाई। मामले में बचाव पक्ष का गवाह विक्रांत कोर्ट नहीं पहुंचा, ऐसे में सुनवाई नहीं हो पाई। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी मंदिर में कार्य करने वाले संविदाकर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। लंबे समय से संविदाकर्मी अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मंदिर मंडल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंदिर मंडल को भी इस संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया गया, जिसके चलते श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले लगभग 400 संविदाकर्मी सामूहिक अवकाश पर रहे। जैसलमेर के नोखा में राजकीय आदर्श विद्यालय से प्रवेश उत्सव रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य गोवर्धन राम विश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए। प्रधानाचार्य ने बच्चों को सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलाने की भी मांग की। अजमेर के आना सागर में जायरीन की डूबने से मौत हो गई। जायरीन के शव को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकाला। दूसरे जायरीन की तलाश अभी भी जारी है। गंज थाने के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि आना सागर के रामप्रसाद घाट पर नहाते वक्त जयपुर के रहने वाले 26 साल के राशिद और 22 साल का आतिक पानी में डूबने लगे और देखते ही देखते वो पानी में समा गए, जिसके बाद मौके पर लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से पानी में डूबे दोनों युवकों की तलाश शुरू की, लेकिन एक युवक की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे युवक के लिए गंज थाना पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में अविकसित फेफड़े से पीड़ित मात्र 800 ग्राम के नवजात का सफल इलाज किया गया। आपको बता दें कि प्री मेच्योर नवजात को सांस लेने में तकलीफ होने पर जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ऐसी बीमारी से पीड़ित नवजातों में से 99% की मृत्यु हो जाती है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ RK गुलाटी ने बताया कि नवजात के फेफड़े में सर्फेक्टेंट बनी हुई थी, ये एक फोमी और फैटी लिक्विड होता है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को इडियोपैथिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। नवजात के भर्ती होने के बाद से ही श्वास नली में ट्यूब डालकर फेफड़ों में सर्फेक्टेंट के लिए इंजेक्शन लगाकर इलाज किया गया था।
चूरू के मालासर में हुए आनंदपाल के एनकाउंटर मामले में करनी सेना व राजपूत समाज के लोगों ने रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि आनंदपाल एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाई जाए। समाज के लोगों ने वसुंधरा सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने झूठा एनकाउंटर करवाया है, राजपूत महिलाओं को रिहा किया जाए, आनंदपाल की बेटी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज हैं, उन्हें भी वापस लिया जाए, दाह संस्कार में आनंदपाल के दोनों भाइयों को शामिल होने की अनुमति दी जाए। अगर सरकार परिवार व समाज की अनुमति के बिना आनंदपाल का दाह संस्कार करती देती है तो पूरे राजस्थान में आग लग जाएगी। इससे पहले राजपूत हॉस्टल से रैली निकाली गई। रैली में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये रैली करनी सेना के जिलाध्यक्ष मनोहर सिंह घोड़ीवारा के नेतृत्व में निकाली गई। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में 17 जून से चल रही प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन में भारतीय क्रिकेट के सितारे रहे 1983 विश्व कप के हीरो चेतन शर्मा ने शिरकत की। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, राज्य मंत्री अब्दुल सगीर खान, विधायक शोभा रानी कुशवाहा सहित कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रही। आयोजक जिला प्रमुख डॉ धर्मपाल सिंह जादौन ने जिले में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया। प्रतियोगिता के समापन पर क्रिकेटर चेतन शर्मा ने लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में शामिल होने के लिए शपथ दिलाई। भीलवाड़ा में माणिक्य नगर रोड स्थित कॉम्प्लेक्स को नगर परिषद के दस्ते ने सील कर दिया। कॉम्प्लेक्स के मालिक ने बिना परमिशन के निर्माण कर दिया था। नगर परिषद के एईएन पवन नवाल ने बताया कि परिषद की बगैर परमिशन के अवैध निर्माण कराया गया था, ऐसे में नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। कॉम्प्लेक्स और अस्पतालों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। भरतपुर में 11 केवी की लाइन से 13 साल का बच्चा झुलस गया। खेत की ओर जा रहे युवक को करंट लग गया, जिससे घायल बच्चे को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर पर रेफर कर दिया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से कोटा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों की समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा हुई। छबरा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने नारकोटिक्स विभाग के उपायुक्त को अफीम की खेती से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि किसानों को अफीम के पट्टे हर वर्ष सितंबर माह में ही जारी किए जाएं। साथ ही कहा कि यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कृषि भूमि एक समान है, लेकिन तीन राज्यों के नापतोल में भिन्नता है। ऐसे में तीनों राज्यों में नापतोल को भी समान किया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने अफीम की कीमत करीब 15,000 किलो किए जाने की भी मांग की। इस दौरान बैठक में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी और किसान नेता उपस्थित रहे। सीकर के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के किसान महापंचायत के बैनर तले लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान बुधवार को शहर की कृषि उपज मंडी में किसान महापंचायत के महामंत्री सुंदर भंवरिया के नेतृत्व में विशाल धरना दिया गया। 30 जून को किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में शहर में एक विशाल रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मदनगंज किशनगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार धर्म दर्दा की साथी पुण्यतिथि पर राज्य के यज्ञ नारायण चिकित्सालय सहित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैन सोशल ग्रुप मार्बल सिटी व धर्म दर्दा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर से पूर्व श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शिविर के दौरान सभापति सीताराम साहू और उप सभापति राजू बाहेती सहित कई लोग उपस्थित रहे।
धौलपुर जिले के सलेमपुर में एक आवारा सांड के आतंक से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। सांड लोगों को देखते ही मारने के लिए दौड़ पड़ता है। खूंखार सांड से जान बचाने के लिए लोग घरों की छत पर या फिर अन्य जगह छिप जाते हैं। सांड ने अब तक गांव के कई लोगों को चोटिल किया है, लेकिन सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम सांड को पकड़ने नहीं पहुंची। सांड ने गांव के गंगाराम, राम कटोरी और पप्पू को गंभीर रूप से घायल किया। करीब 2 घंटे बाद हिम्मत जुटाकर ग्रामीणों ने सांड को एक पशुपाड़े में बंद किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।